अब भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे जी, और सबसे ज्यादा बगावत भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की कभी भी इस तरह की परंपरा नहीं रही, बिल्कुल अनुशासित पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ये भी दावा करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, नहीं है। अनुसूचित जाति के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। हरियाणा का जातीय समीकरण आप देखें तो लगेगा कि अगर अनुसूचित जाति और जाट मतदाता मिल जाते हैं तो सरकार बनने की पूरी संभावना है। कांग्रेस में भी बगावत है, लेकिन कांग्रेस में राजनीति जी उतनी बगावत नहीं है। लोगों को जब ये लगता है कि हमें टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, सरकार आएगी तो कुछ तो मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो चाहे चेयरमैन ही मिले, चाहे कोई और कोई लाभ का पद मिले, सत्ता में रहेंगे तो कुछ मिलेगा, सत्ता के साथ रहेंगे तो कुछ मिलेगा। इसमें बगावत कम है, बिल्कुल ठीक है। भाजपा में बगावत, मोदी साहब पंचकुला में जब हरियाणा के प्रभारी थे तो पंचकुला में रहते थे, खट्टर साहब उनके साथ होते थे, और ना वो कभी विधायक रहे, ना कभी वो सांसद रहे, ना मंत्री रहे, सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। आरएसएस का होना और मोदी साहब की दोस्ती होनी उनको मुख्यमंत्री पद पर ले आई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है उनका जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इन सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पत्रकारिता के दिग्गज, पत्रकारिता के स्तंभ कहूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बलवंत तक्षक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने लगभग मैं अगर कहूंगा तो पिछले 4 दशक से ज्यादा समय हो गया उनको पत्रकारिता में। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के कुछ जो पहले के शुरू के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनको छोड़कर उसके बाद हरियाणा के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने कवरेज की है, प्रॉपर उन लोगों को जो पॉलिटिकल उनके सिनेरियो है उनको अच्छे से देखा है। तो आज हरियाणा के जो इस समय के सिनेरियो को हम समझते हैं, उनके साथ बैठ के उसकी चर्चा करते हैं कि इस बार विधानसभा जो चुनाव है वो किस तरह के होने वाले हैं। बलवंत तक्षक जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया शुक्रिया राजेंद्र जी। तक्षक जी इस बार जो राजनीति है वो एक अलग तरह के राजनीति जो हमें नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जिसका कहें संगठन जो है उसका बड़ा मजबूत समझा गया हमेशा, और जो फूट है वो हमेशा कांग्रेस में देखी गई है। लेकिन इस बार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जो है जारी की और इस्तीफों की एक झड़ी सी लग गई, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो थे उन्होंने इस्तीफे दिए और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की बात की, उसके बाद दूसरी तीसरी लिस्टें आई तो बहुत से ऐसे नेता थे जो दिग्गज नेता कहूंगा हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही दरकिनार कर दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक फूट नजर आई, आप उसको किस नजर से देखते हैं, आपको क्या लगता है? मैं राजेंद्र जी आपको यह कहूंगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। जी जी, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, कर रही है। लेकिन आप देखिए जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, पहले इलेक्शन में पार्टी में कोई बगावत नहीं थी, 47 सीटें आ गई, सरकार बन गई, बिल्कुल ठीक, पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया 75 पार, 40 सीटें आई, बहुमत से 5 सीट दूर, दुष्यंत चौटाला ने उनकी मदद की, बिल्कुल सरकार पूरे 5 साल चल गई, 4.5 साल बाद उन्होंने जननायक जनता पार्टी को बाहर कर दिया जी। लेकिन आप देखिए दूसरे चुनाव में भी किसी तरह की कोई बगावत नहीं थी, बिल्कुल ठीक। अब भारतीय जनता पार्टी दावा करे हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे जी, और सबसे ज्यादा बगावत भारतीय जनता पार्टी में जी। इसका मतलब ये है कि जो पार्टी के नेता है, विधायक है, पूर्व विधायक है, मंत्री है, पूर्व मंत्री है, जो बगावत करके गए उनका डर खत्म हो गया। ये बगावत कब होती है? जब लगता हो कि पार्टी के सत्ता में आने के चांसेस कम हैं, हम अपनी सीट क्यों छोड़ें। तो जिन जिन लोगों की टिकट काटी गई उनमें से कुछ तो कांग्रेस में शामिल हो गए, कुछ इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी की कभी भी इस तरह की परंपरा नहीं रही, बिल्कुल अनुशासित पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ये भी दावा करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जी। हमारे कार्यकर्ताओं की तादाद इतनी है जितनी देश दुनिया में किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। लेकिन इस बगावत को हम इस अर्थ में देखते हैं कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करके मैदान में उतरने का अर्थ यह है कि कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो कांग्रेस में तो ये शुरू से ही परंपरा रही है, 2 गुट 3 गुट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 10 साल सत्ता में रहने के बाद ये पहली बार सामने आया है कि कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को उन्हीं के बागी उम्मीदवारों से खतरा है। ऐसी सूरत में पार्टी की स्थिति
मुझे लगता है कि जब कमजोर होती है डामाडोल तो कह सकते हैं, तो जो पार्टी के भीतर के जो कद्दावर नेता है वो आंख दिखाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं तो इसी अर्थ में देखता हूँ। इस बार जो पिछले लोकसभा चुनाव से मैं देखता हूं कि जातीय समीकरण को लेके भारतीय जनता पार्टी जो रही है उन्होंने इलेक्शन को साधने की कोशिश की, और उसी को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री जो थे खट्टर उनको हटाकर उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया कि जातीय समीकरणों को साधा जाए। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आए तो उन्होंने जाट और नॉन जाट के जो राजनीति है वो करने की कोशिश की। तो आपको क्या लगता है कि उस तरफ कहीं भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो रही है, क्योंकि उनके पास मुझे कोई नहीं लग रहा है कि कोई जाट जो कोई बड़ा नेता कोई बड़ा चेहरा उनके पास इस समय है। देखिए राजनीति मैं ये कहूंगा आपको कि जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, नहीं है। अनुसूचित जाति के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। हरियाणा में जो जातीय समीकरण की आप बात करते हैं उस हिसाब से सबसे ज्यादा तादाद में जाट मतदाता है जी, उसके बाद अनुसूचित जाति के मतदाता है जी। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है, अगर अनुसूचित जाति के किसी नेता को मौका मिलता है तो कुमारी शैलजा है। बिल्कुल ठीक है, और इन दोनों का अगर कम्बिनेशन बनता है, उदय भान जी भी अनुसूचित जाति से आते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनके पिताजी उनके दादाजी कभी से राजनीति में थे, बिल्कुल ठीक है, और वो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पूरी ताकत के साथ बिल्कुल ठीक। तो हरियाणा का जातीय समीकरण आप देखें तो लगेगा कि अगर अनुसूचित जाति और जाट मतदाता मिल जाते हैं तो सरकार बनने की पूरी संभावना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह की शायद रिपोर्ट पहुंची होगी कि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की है, वो भाजपा को नुकसान पहुंचाए, बट ऑब्वियस सी बात है। तो खट्टर साहब को प्रधानमंत्री जी ने सुबह उनकी तारीफ की, फिर उनको इस्तीफे के लिए कह दिया, अगले दिन नया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब के तौर पर जनता के सामने आ गया, यानी कि ये एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने की कोशिश थी। और नायब सिंह सैनी साहब कितने दिन रहेंगे ये अमित शाह साहब ने पंचकुला में एक रैली करके बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अगले मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी होंगे। बिल्कुल ठीक, उसकी वजह क्या थी कि बैकवर्ड क्लास ये मानते हैं टोटल 41-42% के आसपास बन जाता है, अगर पिछड़ा वर्ग नायब सिंह सैनी के साथ लग जाता है और स्वर्ण मतदाता ब्राह्मण वैश्य पंजाबी समुदाय पहले ही बीजेपी के साथ है, ऐसा भाजपा का मानना है कि ये कम्बिनेशन हमें तीसरी बार सत्ता में ला सकता है। लेकिन तीसरी बार मैंने तो हरियाणा में किसी पार्टी की आज तक सरकार बनते हाँ बिल्कुल अभी तक तो ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, हो सकता है ये इतिहास दोहराने की कोशिश करें। लेकिन आपने बात की एंटी इनकम्बेंसी की, एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो उस फैक्टर का लोकसभा में हम लोगों ने हाल देख ही लिया, हर्ष देख लिया कि लोकसभा में क्या हुआ। अब जहां पिछली बार उन्होंने क्लीन स्वीप किया था लोकसभा में, इस बार वो बिल्कुल आधे आधे पे रह गए। रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज नेता जिनकी जीत लगभग तय थी, ऐसे बड़े नेताओं को साइडलाइन करना और ऐसे टाइम पे जब उनको दिख रहा है कि हमारे लिए जो कंपटीशन है वो बड़ा टफ है, वो कहां तक मतलब कौन सी रणनीति है ये? मैं आपसे कहूं कि रामविलास शर्मा जी को पार्टी ने बेइज्जत किया है तो मेरा कहने कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो मंत्री है राविंदर जीत सिंह जी, जब उनकी टिकट कटी जी, जिस दिन उन्होंने फॉर्म भरा भाजपा उम्मीदवार के तौर पे, बिल्कुल ठीक, नाम की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी बिल्कुल ठीक, लेकिन उन्होंने फॉर्म इस मकसद से भरा कि जो लास्ट सूची आनी है उसमें मेरा नाम निश्चित तौर पे होगा। बिल्कुल ठीक है, रामविलास जी 50 साल से भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींच रहे, बिल्कुल ठीक है, और भाजपा की जब पहली बार सरकार बनी तब भी पार्टी के अध्यक्ष रामविलास जी थे। रामविलास जी विधायक सांसद से कुछ ज्यादा डिजर्व करते हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी मानते थे ब्राह्मण समुदाय, ये बिल्कुल 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 कि देर सवेर भगवत दयाल शर्मा जी 2014 का जो सिनेरियो था वो इनके फेवर का सिनेरियो था और लग रहा था कि रामविलास शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जब उनकी टिकट कटी उन्होंने नामांकन भर दिया उम्मीदवार के तौर पर, बिल्कुल, तो एक सोशल मीडिया पर एक शिकायत वायरल होने लगी जो कोई पैसे के लेन देन को थी, चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश करते हैं उनके खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जाए, यानी कि वो रामविलास शर्मा को एक तरह से हतोत्साहित करने की कोशिश थी सोशल मीडिया के जरिए। वो शिकायत पुरानी है और उसकी सफाई वो पहले भी दे चुके रामविलास जी, बिल्कुल, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का ये कहना है कि पार्टी के किसी कद्दावर नेता को आप टिकट ना दें लेकिन अपमानित ना करें, तो एक तो ब्राह्मण समुदाय इस बात से खुश नहीं है। पहले भी खट्टर साहब ने एक बार किसी बोर्ड कारपोरेशन के मेंबर ने उनको चांदी का मुकुट पहनाने की कोशिश की थी,
तब खट्टर साहब पूरे हरियाणा में रथ यात्रा कर रहे थे और वो चांदी का मुकुट जो पहनाने की कोशिश की थी, तो हो सकता है उस चांदी का कोई पतरा उनके टच कर गया हो और उन्होंने मुड़के कहा था कि मैं गर्दन उतार दूंगा तुम्हारी। मतलब उस बात को ब्राह्मण समुदाय ने बुरा माना लेकिन धीरे धीरे भूल गए। लेकिन अब उन्होंने भाजपा ने फिर एक रामविलास जी की टिकट काट के, मुझे नहीं लगता इससे पार्टी को कोई फायदा होगा, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है क्योंकि रामविलास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हरियाणा में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि रामविलास शर्मा कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा जो इनका जो और बड़ा वोट बैंक है वो वैश्य समुदाय शहरों में रहता है, मैं वहीं आने वाला था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने किस किस की टिकट नहीं काटी, सिटिंग एमएलए नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद से थे उनकी काटी, गुड़गांव से सुधीर सिंगला, बिल्कुल सीताराम सिंगला के बेटे हैं, सीताराम सिंगला भी भारतीय जनता पार्टी से या जनसंघ से उसी समय जनसंघ से जुड़े हुए नेता थे, बिल्कुल शुरुआत हुई थी। तीसरे दीपक मंगला हैं जो पलवल से विधायक थे, उनकी भी टिकट काट दी। चौथी सावित्री जिंदल थी जिनके बेटे को, नवीन जिंदल को आपने बड़े स्नेह से प्यार से आग्रह करके पार्टी, सावित्री जिंदल मंत्री रही है कांग्रेस पार्टी में सरकार में, तो अब उन्होंने जो टिकट नहीं मिली तो उनका मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगी। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है ये सोचती हो कि कमल गुप्ता अगर चुनाव नहीं भी जीतते हैं और सावित्री जिंदल जीतती हैं और हमारी सरकार बनती है तो हमारे साथ आ जाएंगी, लेकिन भविष्य के गर्भ में है ये तो कांग्रेस की सरकार। इनकी प्लान वो जैसे इन्होंने वहां पे गोवा में किया था कि इंडिपेंडेंस को जो रूट के गए थे बाद में उनको अपने साथ मिला के सरकार बना ली थी, शायद ऐसी कुछ प्लानिंग में होंगे। ऐसी प्लानिंग है, गोपाल कांडा आजाद उम्मीदवार तो जीते थे, बिल्कुल 4.5-5 साल तक वो भाजपा की मदद करते रहे, भाजपा ने उनके भाई को एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला के खिलाफ टिकट दिया लेकिन जीत नहीं पाए गोविंद कांडा। अब उनको 4.5-5 साल साथ रखने के बाद कहा गया आप अलग ही लड़ लो। हाँ, गोपाल कांडा पहले जो गठबंधन बना था 36-37 पार्टियों का उसमें गोपाल कांडा को शामिल किया लेकिन टिकट देते वक्त उनको इनकार कर दिया। ये भी भारतीय जनता पार्टी की कोई हो सकता रणनीति का हिस्सा हो कि हमारा उम्मीदवार जीते तो ठीक है, गोपाल कांडा जीतेंगे तो भी कहां जाएंगे, हमारे साथ वापस आ जाएंगे। लेकिन कांडा भी वैश्य समुदाय से है, 4.5-5 साल आप उनको इस्तेमाल करते हो अपने पार्टी की मदद के लिए और उसके बाद कहते हो आप अलग से लड़ने। तक्षक जी, आपने वैश्य समाज की बात की, वहीं से मेरे जहन में एक सवाल आता है कि वैश्य समाज आज की डेट में अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से टूटा है और वैश्य समाज एक पक्का वोटर था भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, इस बार आम आदमी पार्टी बहुत चर्चा थी कि कांग्रेस के साथ उसका जो है गठबंधन हो जाएगा लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके उन्होंने अपने 90 के 90 उम्मीदवार उतार दिए, शायद उनकी पहले से ही प्लानिंग थी ये उम्मीदवार उतारने की। केजरीवाल जो है अभी ऐसे टाइम पे उसका जेल से बाहर आना और दूसरा वो वैश्य समाज से बिलोंग करते हैं, क्या वैश्य समाज को प्रभावित कर पाएंगे केजरीवाल? मैं आपसे कहूं वैश्य समुदाय तो बड़ा समझदार समुदाय है, बहुत कम बोलता है जी, फालतू बात नहीं करता, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो एक मैसेज जो पहुंचाने की बात है, वो बैठे बैठे जहां वो बिजनेस करते हैं वहां से उनका एक मैसेज ट्रेवल करता है और दूर तक मार करता है। मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में वैश्य समुदाय से एक मुख्यमंत्री था। अब किसी भी समुदाय का एक प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, एक शान होती है जी। तो केजरीवाल ने संघर्ष के जरिए दिल्ली में अपनी जगह बनाई, 3 बार भाजपा को पटकनी दी और वैश्य समुदाय के लोग चूंकि अभी तक आम आदमी पार्टी को उस ढंग से अपना नहीं पाए थे हरियाणा में, लेकिन उनको लगता है कि हमारा बेटा है हमारे हरियाणा का रहने वाला, भिवानी के शिवानी जिले का रहने वाला है, बिल्कुल। उनकी पत्नी जब भी हरियाणा में आती थी तो उसको हरियाणा का शेर बताती थी, हरियाणा का बेटा बताती थी, खुद को हरियाणा की बहू बताती थी, वो मतदाताओं को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ने की कोशिश थी। उनका जेल जाना वैश्य समुदाय को पसंद नहीं आया और जिस ढंग से सिटिंग एमएलए की टिकट काटी वो भी उनको पसंद नहीं आया। अब जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल साहब जब प्रचार करेंगे अपने करेंगे बिल्कुल, तो वैश्य समुदाय के मतदाता तो शहरी क्षेत्रों में ही है, गांव में आम आदमी पार्टी की अभी कोई पैठ बनी नहीं है, तो उनकी जो भाषण होंगे सभाएं होंगी वो जो कुछ बोलेंगे उसका असर किस पर होना है? अगर वैश्य समुदाय पर असर होता है शहरी क्षेत्रों में तो वो तो नुकसान भाजपा का है, भाजपा का जी। तो आपको ये लगता है कि इस बार जो है पूरी तरह से जो वोटर है वो बदलाव के मूड में है? मैं भारतीय जनता पार्टी को डिस्कस कर रहा था, अब ये आपकी बात से ही मुझे एकदम से एक चीज और मेरे जहन में आती है कि जिस भी नेता का जो कद बड़ा हो जाता है, चाहे मैं अनिल विज की बात करूं, चाहे मैं रामविलास शर्मा की बात करूं या राव इंद्रजीत की बात भी करूं, तो पार्टी ऐसे नेताओं को साइडलाइन क्यों कर देती है जिनका कद बड़ा हो जाता है?
देखिए, आप राव इंद्रजीत सिंह की बात करते हैं तो वो तो पुराने भाजपा ही नहीं है, वो तो लड़ाई थी वहां राव इंद्रजीत सिंह की और कैप्टन अजय सिंह यादव, बिल्कुल ठीक है। और मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसको ज्यादा महत्व देते हैं, ये उन दोनों के बीच की लड़ाई थी। राव इंद्रजीत सिंह चीफ मिनिस्टर के दावेदार रहे, बिल्कुल ठीक, उनको लगा कि यहाँ गुंजाइश नहीं बढ़ती, भाजपा में पूरी गुंजाइश है, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कुछ लोग हवा का रुख भी भांप लेते हैं, उनको लगा कि 10 साल से पार्टी सत्ता में थी, अगली बार आएगी नहीं। उन्होंने ही राव इंद्रजीत ने सबसे पहले रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की रैली कराई, वो तब जब नरेंद्र मोदी साहब को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया था। वो रेवाड़ी में रैली बड़ी कामयाब हुई जी। और उस रैली का असर ये रहा कि दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह ने अपने असर के बलबूते 2 बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनवाई। भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा मैंडेट समर्थन विधायक दक्षिण हरियाणा के मिले और उन्हीं की बदौलत सरकार बनी। लेकिन इंद्रजीत सिंह बदले में क्या मिला, उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको साफ इनकार कर दिया। राव इंद्रजीत सिंह के बाद जो बहुत सारे सांसद पहली बार बने वो कैबिनेट मिनिस्टर है। राव इंद्रजीत सिंह जो है वो मनमोहन सिंह की सरकार में डिफेंस राज्य मंत्री थे, बिल्कुल। उसके बाद 3 बार मोदी सरकार में मिनिस्टर बने, 3 बार राज्य मंत्री, और महकमे भी वो जिस जो पब्लिक डीलिंग के नहीं है। मैं वही पूछा भी, ऐसे बड़े नेताओं को ये भाजपा की क्या रणनीति है कि इतने बड़े जो नेता होते हैं जिनके कद बड़े हो जाते हैं तो उनको एक साइडलाइन कर देते हैं, ये कौन सी रणनीति है? रामविलास देखिए, वो पार्टी हाईकमान ने साइडलाइन नहीं किया, ये यहां से जो रिपोर्ट जाती है या आप जिस पर भरोसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर साहब पर भरोसा करती थी कि आरएसएस से जुड़े हुए आदमी है और आरएसएस की मर्जी से मोदी साहब के साथ भी उनकी दोस्ती रही है। मोदी साहब पंचकुला में जब हरियाणा के प्रभारी थे तो पंचकुला में रहते थे, खट्टर साहब उनके साथ होते थे, और ना वो कभी विधायक रहे, ना कभी वो सांसद रहे, ना मंत्री रहे, सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। आरएसएस का होना और मोदी साहब की दोस्ती होनी उनको मुख्यमंत्री पद पे ले आई। जब मुख्यमंत्री बन जाते हो तो आप अपने आसपास नजर दौड़ाते हो कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मेरी कुर्सी की तरफ देखते हैं। तो जो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ देखते थे खट्टर साहब ने जो जो हाँ जो जो दावेदार नजर आए सब कुछ पिछली बार निपटाए, ठीक है, कुछ अब निपटाए। वो भले ही मनोहर नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री हो लेकिन वो उनके कट्टर समर्थक हैं, उन्हीं की बदौलत वो मुख्यमंत्री बने हैं, बिल्कुल। और अभी लोग ऐसा कहते हैं सुपर सीएम खट्टर साहब ही, टिकटों के बंटवारे में दिलवाई। लेकिन मैं सोचता हूं कि पार्टी के बाहर के विरोधियों का सफाया तो ठीक है, आपके पास ताकत हो आप पार्टी के भीतर भी सफाया करने लगो, वो पार्टी के हित में नहीं, पार्टी के हित में नहीं है। तक्षक साहब, हरियाणा में इस समय विधानसभा चुनाव में 5 बड़ी पार्टियां जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 3 नेशनल पार्टियां हैं, 2 राज्य पार्टियां हैं। और गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन की राजनीति इस बार बड़ी जोर पकड़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी के बागी लोग थे या कांग्रेस के बागी लोग थे वो सब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कितना अहम रोल हो सकता है इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, जो चुनाव लड़ रहा है बागी होके, एक तो उसको ये अंदर से कॉन्फिडेंस है शायद मैं सीट निकाल लूंगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरे, उनके चुनाव लड़ने की वजह यह है कि खुदा ना खास्ता किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो हमारा महत्व तो बढ़ जाएगा और हम सरकार में हिस्सेदार हो जाएंगे, मंत्री पद मिलेगा, चेयरमैन ही मिलेगी। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, घर बैठ जाएंगे, तो हमारी जगह खाली होगी, वो कोई ना कोई तो भर लेगा, आगे मौका मिले ना मिले। कई कारण है आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के, लेकिन मैं कहता हूं हरियाणा का मतदाता इस बार किसको जिताएगा ये नहीं देख रहा हूं, उसका टारगेट है हमें हराना किसे। अगर 10 साल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो निशाने पर कौन होगा, उनके भाजपा उनके निशाने पे होगी, और ऐसे में वो जिस पार्टी को सत्ता में नहीं लेके आना चाहते बहुमत उसको नहीं मिलेगा। तो मुझे तो लगता है आज की स्थिति में पलड़ा कांग्रेस का भारी दिखता है। आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूं, पर मैं असहमति मेरी यहां बनती है कि अगर हम बात करें इनेलो की जी, भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने
इनेलो के साथ बसपा का जो गठबंधन हुआ है वो कहीं ना कहीं उससे अपने कहा अनुसूचित जाति के वोटर की बात करें तो बसपा के थ्रू अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश की है, क्योंकि इनेलो का हमेशा से जो गठबंधन आखिरी टाइम पे आके बना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बना है। दूसरी तरफ बात करते हैं जेजेपी की, जेजेपी ने चंद्रशेखर की पार्टी के साथ, आज समाजवादी पार्टी जो है उसके साथ गठबंधन किया है, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो एससी वोट को अपने प्रभावित करेगी। तो क्या लगता है कि वो दो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर मिल जाती हैं तो समीकरण बदल सकते हैं या नहीं? वो तो आप चुनाव से पहले ही समीकरण बदले हुए हैं। आप देखिए, मैं तो पहले कह चुका हूं कि कांग्रेस का कम्बिनेशन क्या है, अनुसूचित जाति प्लस जाट समुदाय। बिल्कुल ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि लड़ाई सीधी ना होके तिकोनी हो जाए। तिकोनी लड़ाई कैसे हो सकती, क्योंकि एक क्षेत्रीय पार्टियों में जाट, देखिए इनेलो भी है जाट बहुल पार्टी है, जेजेपी है जाट बहुल पार्टी है, और दूसरी तरफ बात करूंगा दोनों पार्टियां जो उन्होंने जो अलायंस किया है वो एससी के साथ किया है। तो मैं यहाँ तो आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं उसका जवाब ऑलरेडी आपके पास है। अनुसूचित जाति प्लस जाट और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के मन में कहीं ना कहीं ये भाव जरूर होगा जी कि ये वोट जो इनको जाएंगे वो कांग्रेस के खाते से जाएंगे, और कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि भैया इस बार कांग्रेस को वोट देना, जो वोट कटवा पार्टियां हैं उनकी तरफ ध्यान मत देना। तो कांग्रेस को भी लगता है कि इनको जो वोट जाना है वो जीतने के लिए नहीं जाना, कांग्रेस को हराने के लिए जाना है। ऐसी सूरत में कांग्रेस अभी 16 तारीख के बाद अपनी रणनीति के हिसाब से चलेगी, समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत चल रही है, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं जी, अमित शाह साहब के दौरे हैं, 4 उनकी रैलियां होनी है। तो भाजपा सत्ता को फिर से हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के पास कई राज्यों में बड़े चेहरे भी हैं जो आएंगे, यहाँ सेंटर में भी हैं। कांग्रेस राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनिया जी का हो सकता है एक आध कोई दौरा हो, और प्रियंका गांधी, इन्हीं चेहरों पर चुनाव लड़ना है। और 10 साल की अगर एंटी इनकम्बेंसी है और भाजपा उसको दूर नहीं कर पाएगी, जो कि मुझे इसलिए लगता है कि खट्टर साहब को जो बदला, तो नायब सिंह सैनी साहब भले चेहरे के तौर पर पब्लिक के सामने आए लेकिन उनके पास वक्त कितना, वक्त नहीं था उनके पास। मार्च में वो बड़े, इस सितंबर में चुनाव हो गए, 6 महीने का टाइम मिला, और उस 6 महीने में भी उन्होंने खट्टर साहब सरकार के जो फैसले थे वो बहुत सारे फैसले इसलिए बदल दिए कि लोगों में उन फैसलों को लेकर नाराज किए। तो इतनी जल्दी 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी 6 महीने में खत्म नहीं होती, तो देखते हैं। दक्षक जी एक आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है ये अलायंस में आ रहे थे जी, लेकिन इसके बाद एकदम से ये फैसला हुआ कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, तो नुकसान किसको होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब भी आम आदमी पार्टी ने वोट तोड़ा है तो कांग्रेस का वोट तोड़ा है, तो क्या लगता है कि वहां कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि लड़ाई कई कोण में हो जाए, उनको फायदा होगा, लेकिन अभी तक का जो इतिहास है आम आदमी पार्टी का, पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, हरियाणा में कई बार चुनाव लड़े, लेकिन किसी उम्मीदवार की जमानत नहीं बची, नोटा से भी कम वोट आए उनके। भारतीय जनता आम आदमी पार्टी इस बार बड़ी ताकत से लड़ना चाहती थी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के 10 नंबर है, आम आदमी पार्टी का 1 नंबर है, तो दोनों मिलकर लड़ते तो 11 हो जाते। अगर 5 सीटों पर लड़ती, 7 पे लड़ती आम आदमी पार्टी, तो उनमें से बहुत सारी सीटें जीत जाती, उनकी जड़ें जम जाती, विधानसभा में उनका खाता खुल जाता। लेकिन इंडिविजुअल अगर अकेले अपने दम पर लड़ेगी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी सीटों पर उसकी जीत हो पाएगी। उनके पास बड़ा चेहरा कौन है? उनके पास बड़ा चेहरा सुशील गुप्ता जो जींद से लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और जींद जाट बहुल इलाका है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी जाट को टिकट नहीं दी, नहीं दी, तो क्या करेंगे जाट? आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। दूसरा एक उनके पास बड़ा चेहरा है मंत्री छत्रपाल सिंह। छत्रपाल सिंह ने 1991 में पहला इलेक्शन लड़ा था विधानसभा का, और आपको ध्यान हो तो चौधरी देवीलाल उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे। बिल्कुल ठीक है। वो रोहतक से लड़े थे और लोकसभा का चुनाव, और घिराए से लड़े थे विधानसभा का चुनाव। बिल्कुल ठीक। रोहतक में चौधरी देवीलाल हुड्डा साहब से हार गए, और घिराए में छत्रपाल सिंह से हार गए। छत्रपाल सिंह 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और उन छत्रपाल जी को ये लगता है कि मैंने अपने 10 साल जो है वो भाजपा में खराब की, अब वो भाजपा छोड़ गए हैं और आम आदमी छोड़ने के आम आदमी पार्टी के टिकट पे बरवाला से चुनाव लड़ रहे हैं। वो क्या रहेगा ये तो 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़ के लोगों को जाना
एक सवाल पैदा करता है कि क्या वो लोग सोच रहे हैं कि भाजपा सत्ता में नहीं आएगी जो पार्टी छोड़कर। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस में भी बगावत है लेकिन कांग्रेस में राजेंद्र जी उतनी बगावत नहीं है। लोगों को जब ये लगता है कि हमें टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, सरकार आएगी तो कुछ तो मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, तो चाहे चेयरमैन ही मिले, चाहे कोई और लाभ का पद मिले, सत्ता में रहेंगे तो कुछ मिलेगा, सत्ता के साथ रहेंगे तो कुछ मिलेगा, इसलिए बगावत कम है। बिल्कुल ठीक है, भाजपा में बगावत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 8 अक्टूबर को जो चुनाव है उनका फैसला आ जाएगा, किसकी सरकार बनती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उससे पहले मैं तक्षक जी, हम अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आपके समक्ष पेश होते रहेंगे। दोस्तों आपको अगर किसी भी तरह का कुछ भी अगर कोई कमेंट करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारी जो चर्चा है ये कितनी वाजिब है और इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। और आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। तक्षक जी आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राजेंद्र जी, आपका भी आभार। शुक्रिया।